हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विस पॉलिटी का ये 11 पॉलिटी का 11 पार्ट है, और इसके अंदर हम पिछले साल के क्वेश्चन और थोड़े से नए और क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, ये कौन सी ट्वेंट असेंबली से ही रिलेटेड होगा ये पार्ट भी देखें यहाँ सर। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा स्पीकर से रिलेटेड, और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा स्पीकर से रिलेटेड। दो बार क्वेश्चन पूछा है आयोग ने। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो फंक्शन परफॉर्म किए, ठीक है। कौन कौन से दो जो फंक्शन है परफॉर्म किए, एक तो ये लॉ बनाती थी, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ बनाते थे। तो जब ये ऑर्डिनरी लॉ बनाते थे उस टाइम पर इसको चेयर करते थे जीबी महावलंकर, और जीबी महावलंकर जो थे ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी भी अब कौन है, देखिए 18वें नंबर की लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो इस टाइम पर जो है ओम बिरला जी हैं। तो इनके नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया कौन थे इनके, क्योंकि करंट अफेयर में आपको ऐसा पूछ सकता है। अब देखिए, एक तो फंक्शन ये हो गया कि ऑर्डिनरी लॉ बनाना इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और एक बात याद रखना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया बोला जाता है। कभी आप सोचने लगो भैया ये पहली पार्लियामेंट थी हमारी फ्री इंडिया की है। इसने दो फंक्शन कब तक परफॉर्म करे थे, 26 नवंबर, ये डेट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1949 को, ठीक है, इस डेट को, और ये डेट आपको याद होनी चाहिए तब तक। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी। एक जैसे मैंने कहा दो फंक्शन परफॉर्म करती, एक तो ऑर्डिनरी लॉ बनाना और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर करते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आयोग ने दो बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको उसके बारे में पता हो चाहिए। स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा जीबी मावलंकर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आपको पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को नेशनल फ्लैग को उसको हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को किया गया था। इसके रेशियो के बारे में, इसका जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो का मतलब ये जो ब्रेथ और लेंथ का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीन कलर है यहाँ पर, सैफ्रॉन, व्हाइट, नेवी भी, और मतलब कलर तो और भी है। इसके अंदर जो चक्री बनी हुई है उसके बारे में नेवी ब्लू की है, और 24 स्पोक इधर उधर फैले हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, डेट ये वाला पता होना चाहिए, उसकी डायमेंशन क्या है, कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया, और हाँ, इसको डिजाइन किसने किया था। आज का जो देखिए हमारा जो आज का जो फ्लैग है वो पिंगाली ने, वेंकैया ने इसको और डिजाइन किया था। वैसे तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे फ्लैग बने थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो उससे पहले 1931 में भी बना था, इसमें गांधी जी के बीच में चक्रा दे रखा था। तो लेकिन नहीं, इसको हटाकर फिर ये 1947 में और ये बनाया गया है। तो ये किसने डिजाइन किया था ये पूछा जा सकता है आपसे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके मतलब भी पूछे जा सकते हैं, किसने डिजाइन किया ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें जैसे बीच में एक चक्र है, आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में एक चक्र है, तो इसमें 24 तिल्लियां हैं, और ये नेवी ब्लू का चक्र बना हुआ है, इसके बीच में व्हाइट कलरिंग हो रही है, और ये ऊपर वाला सैफ्रॉन है। सैफ्रॉन का मतलब आपको बताना, जैसे खून का कलर होता है, तो खून का कलर क्या कहता है, तुम हमें खून दो हम तुमको आजादी देंगे, मतलब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है सेक्रीफाइस, आपको अपने देश के लिए छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा। व्हाइट क्या कलर होता है, आप रुमाल लगते हो व्हाइट, जरा सी भी अगर पसीना आ जाए आपको, आप मुंह पूछते हो एकदम, जरा सी भी गंदगी होगी तुरंत लग जाएगा। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई जो व्हाइट होता है शांति का प्रतीक होता है, उसको जरा सा भी दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नीचे एग्रीकल्चर, ये देखिए हमारे इंडिया जो ग्रीन, ग्रीन के क्या है, एक्चुअली ग्रीन जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो किसानों ने काफी खून बहाया है, और किसानों को हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि भैया आप और काम करो अपनी फसल में। आज इस बार जो है 100, मतलब इस बार जो है 50 क्विंटल बिकेगा गन्ना निकला, अगली बार और निकलेगा, तो मतलब हम गन्ना उगाते हैं, तो ऐसे और करो मोटिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि किसी को क्रेज करना और इमोर्टलिटी। अब बात करते हैं हम इसके अंदर व्हील भी लगा हुआ है, तो आपको बताना है व्हील का मतलब ये होता है कॉन्स्टेंट मूवमेंट। जैसे कि एक व्हील होता है तो चारों तरफ मूव करता रहता है, तो ये कभी रुकता नहीं है पहिया, समय का चक्र चलता रहता है। इसका मतलब देखो, ये यहाँ पर जो लिए गए ना इन शब्दों ऐसे नहीं, इसके अंदर जो डाला गया है ना ये इनके बहुत बड़े बड़े मतलब होते हैं, तो ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी फैक्चुअल चीज आपको रट्टा मारना पड़ेगा यहाँ पर, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि भाई कौन सी डेट में कौन सा फ्लैग आया था, ये मानेंगे यहाँ किसने डिजाइन किया था जो करंट हमारा फ्लैग है ये। दूसरा नेशनल एंथम और नेशनल फ्लॉग दोनों के बारे में आपको बताना चाहिए। दोनों सेम डेट को अडॉप्ट किए गए थे, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर दे भी रखा है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर ये दे रखा है जनगणमन, तो आप इसको एक बार देख लेना।
और जन ये जो है कौन सी, देखिए बस यही कर लो, अगर इसका फुल स्टेंजा आपको पूरा प्ले करना है तो 52 सेकंड लगते हैं, और आधा प्ले करना है आपको, मतलब पहला इसका स्टेंजा प्ले करना होता है उसको 20 सेकंड का टाइम लगता है। कौन सी डेट को हुआ था, तीन चीजें, तीन पॉइंट याद कर लो इसके अंदर, एक तो ये वाला पॉइंट याद कर लो ठीक है, और कौन सी डेट को इसको ये जो लिखा किसने था, ये तो बहुत कम चांसेस है, 24 जनवरी 1950 ये वाला पॉइंट याद कर लो। यहाँ पर एक और पॉइंट याद कर लो, तो इसको जो है देखो, जैसे कि 11 दिसंबर 1911 को इसको बनाया गया था, देखो 11/11 आ गया, इसको मतलब लिखा गया था बंगाली में, लिखा गया था ये बात याद रखना ठीक है, तो बंगाली में इसको लिखा गया था। फिर 27 दिसंबर 1911 को इसको पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्सेशन हुआ था, तो वहां पर इसको गाया गया था, शॉर्ट वर्जन वगैरह इसके। देखो ये ऐसी चीज नहीं कि बहुत देर तक बैठे रहो, कथासी करते रहो, आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होता है, ये यहाँ पर दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, वैसा होना चाहिए, देश की बात है। अब बात करते हैं हम नेशनल सॉन्ग के बारे में, तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है ये बहुत क्वेश्चन बार पूछा गया, जो ये तो इसमें भी पूछा गया, ये जो क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया था, हालांकि ये जो आज का हमारा नेशनल सॉन्ग है ठीक है, वंदे मातरम, तो ये किसने रिटा बंकिम चंद्र चतुर ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है, इनका एक नॉवल है आनंद मठ, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है, और इसको ट्रांसलेट, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा गया था, तो इसको ट्रांसलेट जो रविंद्र घोष जी ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में ठीक है, कब अडॉप्ट किया गया था ये उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने सॉन्ग कह दिया 24 जनवरी 1950, ये मतलब ये जो 24 जनवरी 1950 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसमें यहाँ पर एक और काम हुआ था, ये फाइनल सेशन था इंडियन नेशनल, उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन था, तो इस सेशन के बाद में जो हमारा होता मतलब 26 जनवरी 1950 आएगा, और पहली बार देश के अंदर ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी डेट को, डॉक्टर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट चुन लिया गया, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पर कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक बार पूछा गया, अभी ये पता नहीं कौन से उसमें पूछा गया था, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, हो सकता है कहीं कहीं ये मतलब चलो छोड़ो ये याद रखना आप, इसमें कुछ करने, खर्चा कितना आया था, तो ये 64 लैक्स के अबाउट आया था, तो कम ही चांसेस है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है अलग अलग जगह से लिया गया, तो इसके बारे में भी देखेंगे कहाँ कहाँ से लिया गया, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जरा आप इसको ट्राई करें, द कम्प्लीट एंड द फॉर्मल रेंडिशन ऑफ द, ये तो ये पूरा ये पूछ रहा है कि कितना, अगर आपको पूरा वो नेशनल एंथम अगर गाना हो तो कितना टाइम लगता है, 52 सेकंड, शॉर्ट वर्जन के लिए 20 सेकंड लगते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम ये छोटी छोटी चीजें आपको मतलब जरूरी नहीं कि पूछे, लेकिन हो सकता है आयोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, यहाँ से आयोग क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।